गोजरी जबान में अपडेट सुनिए। किसी भी रियासत की या बुनियादी जिम्मेदारी है कि वह अक्सरियत के नाल नाल अकलियता का हकूक की पासदारी करे, उनकी जान माल इज्जत व आबरू और दीन ना तहफ्फुज़ फराहम करे। अगर कोई मुतशद्दद ग्रोह इस हवाले नाल अकलियता ना तंग करे तो उसके खिलाफ कानून व आइन के मुताबिक सख्त तो सख्त कार्रवाई अमल में आनी चाहिए। भारत को आइन भी अकलियता का हकूक का तहफ्फुज़ की जमानत फराहम करे, लेकिन भारत की आज़ादी के 75 साल बाद भी उत अकलियता का हकूक ना गसब करके भारतीय हुकूमत न सिर्फ बैन अलावी कवानीन बल्कि अपना आइन की मिट्टी पलीद कर रही है। भारत में अकलियतों की जान माल इज्जत आबरू और दीन गैर महफूज है। मोदी का हिंदुस्तान में न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूजी अकलियत ईसाइयां सिखा दलिता और बुद्धों के नाल दूजा दर्जा का शहरियों वालों सलूक किया जा रहा है। मोदी की दाएं बाजू की पॉलिसियां ने भारत की नाम नहाद जमहूरियत को असल चेहरो पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल नंगो करके रख दी तो है। मोदी को हिंदुत्व पर मबनी एजेंडो दुनिया की वह नाम नहाद जमहूरियत है जिसमें इख्तलाफ राय की जरा बराबर गुंजाइश नहीं है। मोदी और उनका हवारी हिंदुस्तान ना एक हिंदू राष्ट्रीय बनाने वास्ते अड्डी चोटी को जोर ला रहे हैं। मोदी और शाह की जोड़ी नाजी इज्म का अरूज का दिनामा हिटलर और हिमलर तो जरा बराबर भी मुख्तलफ नहीं है। मोदी की जेर क्यादत भारत का जमहूरिया होने का दावा मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में बेनकाब हो चुके हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जमहूरी उसूलों की जड़ी बेतौकीरी हिंदुस्तान कर रहे है उसकी मिसाल किसी बदतरीन आमरियत में भी मिलनी मुश्किल है। स्वीडन में कायम इदारा वी डैम ने भारत ना एक सिवल आमरियत करार दी है। यह तमाम सूरत हाल आलमी बरादरी वास्ते चुशमकुश है।